गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए जंक्शन। ये हमारी वीडियो सीरीज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 32nd लेक्चर है, जिसमें हम अपना चैप्टर अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस कंटिन्यू कर रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस में आज हम जॉइंट वेंचर अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर मतलब ये आप बोल सकते हैं टेम्प्ररी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है। अगर आपने वो बैंड बाजा बारात वाली मूवी देखी होगी तो उसमें कौन कौन रहते हैं, अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह, उन लोग क्या करते हैं, वो लोग एक मैरिज प्लानर्स रहते हैं, नॉर्मली मैरिज अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो वो दोनों साथ में एक साथ काम करते हैं, तो वो पार्टनरशिप में रहते हैं, नॉर्मल पार्टनरशिप में, लेकिन बाद में वो लोग अलग हो जाते हैं, अलग अलग अपना काम चलाते हैं। उसके बाद एक पर्टिकुलर काम के लिए, एक पर्टिकुलर मैरिज प्लान करने के लिए वो दोनों को साथ में आना पड़ता है, क्योंकि वो दोनों के साथ आने की जरूरत पड़ जाती है वहां पे। ठीक है, तो उस केस में वहां पे वो दोनों क्या है, सिर्फ एक पर्टिकुलर मैरिज प्लान करने के लिए वो दोनों साथ में आए हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगा, टेम्पररी पार्टनरशिप। ठीक है, तो टेम्पररी पार्टनरशिप में आए सिर्फ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए या फिर एक काम करने के लिए वो लोग साथ में आए हैं, तो वो क्या है, हमारी टेम्पररी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, जॉइंट वेंचर। तो वो दोनों जब एक पर्टिकुलर मैरिज के लिए साथ में आए मैरिज प्लान करने के लिए, तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, जॉइंट वेंचर। ठीक है, जॉइंट वेंचर एक टेम्पररी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे कई सारे बिजनेस है, एक्टिविटीज है या फिर प्रोजेक्ट्स है जिनके लिए आपको हायर रिस्क है, हायर इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है और उसमें मल्टी स्किल्स चाहिए रहती है। इन सारे केसेस के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन एज उसके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए उसमें आपको दो या दो से ज़्यादा पीपल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, एक पर्टिकुलर टेम्पररी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर जब किया जाता है उस केस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइंड की जाती है। ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर को ज्वाइन कर रहे हैं, उस टेम्पररी पार्टनरशिप को ज्वाइन कर रहे हैं, उन सारे मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन करनी पड़ेगी। तो जॉइंट वेंचर कब होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं, टेम्पररी पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। सबसे पहला तो स्पेसिफिक पर्पस एंड लिमिटेड ड्यूरेशन, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो लोग साथ आए हैं, एक पर्पस, वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो दोनों अपना अपना काम अलग अलग करेंगे। ठीक है, या फिर जितने भी पार्टनर्स जुड़े हैं टेम्पररी पार्टनरशिप में, या फिर को वेंचरर्स बोला जाता है, जो पार्टनर्स होते हैं इसमें उनको बोला जाता है को वेंचरर्स, वो जो जुड़े हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस खत्म होने के बाद वो सब अपना अपना अलग अलग काम करेंगे। और ये पर्टिकुलर लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए बनता है, मतलब एक काम, एक प्रोजेक्ट के लिए वो लोग साथ आए, अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये पार्टनरशिप, दैट इज जॉइंट वेंचर, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्टनर्स को कोवेंचरर्स बोला जाता है। अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो एग्रीड रेशियो में शेयर होता है, मतलब कोवेंचरर्स खुद से डिसाइड करेंगे कि हमारा रेशियो क्या रहेगा प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का। इसके बाद इसमें इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपकी पार्टनर जॉइंट वेंचर के ऊपर है, किस पर्टिकुलर बेसिस में आप जॉइंट वेंचर बना रहे हैं। नेक्स्ट, डिसॉल्व व्हेन द पर्पस इज ओवर, हमको पता है जब जॉइंट वेंचर का काम खत्म हो गया तब वो डिसॉल्व हो जाती है। अकाउंट्स ऑफ को वेंचरर सेटल्ड इमिडिएटली सेटल किया जाता है उनको ओवर होने के बाद। ठीक है, और जॉइंट वेंचर का कोई नाम नहीं होता, जॉइंट वेंचर को जॉइंट वेंचर अकाउंट ऐसा ही बोला जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर का कोई नाम नहीं होता। ये सारी हमारी इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, किसमें, हमारे जॉइंट वेंचर में, उनमें आप थ्री वेज हैं आपके पास उस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर की एंट्रीज करने का। सबसे पहले आप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, मतलब जैसे कि समझ लीजिए ए और बी दोनों कोवेंचरर हैं, दोनों साथ आके काम कर रहे हैं, ये दोनों की अलग अलग अपनी अपनी बुक्स बनती हैं। ठीक है, अपने अपने अकाउंट्स की जो जो ये ट्रांजेक्शन करते हैं अपना, जब ये जॉइंट वेंचर में आए तो वो दोनों ने एक साथ एक अलग बुक बनाई, तो क्या किया, एक अलग बुक बनी, इसलिए बोला गया व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। नेक्स्ट, वेयर नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, मतलब ये सारे रिकॉर्ड्स अपने अपने बुक्स में रखेगा, ये सारे रिकॉर्ड्स अपने अपने बुक्स में रखेगा, मतलब अलग से कोई जॉइंट वेंचर के लिए बुक्स नहीं बन रही हैं। नेक्स्ट, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर क्या होता है, इसको हम देखेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मैंने अभी आपको ये दोनों समझा दिया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखिए, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, सबसे फर्स्ट हम देखने वाले हैं जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं तब क्या होता है। तो जब अगर आप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं
तो उसमें आप क्या करेंगे, इसमें सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ें आप यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिजनेस ड्यूरेशन यहाँ शॉर्ट होता है, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट ज़्यादा आपकी कॉम्प्रहेंसिव नहीं होती, मतलब हर एक एक्सपेंसेस, जैसे हम कंसाइनमेंट में करते हैं, हर एक एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसकी जगह टू बैंक अकाउंट लिख देते हैं, या फिर एक्सपेंसेस अगर कंसाइन नहीं किया तो कंसाइनी का नाम लिख देते हैं, तो वैसे ही इसमें भी किया जाता है, इसमें भी ज़्यादा अकाउंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, बहुत शॉर्ट इसकी अकाउंटिंग की जाती है। बेसिक पर्पस रहता है प्रॉफिट और लॉस जाना जॉइंट वेंचर का नॉर्मली, बस इससे अलावा यहाँ का कोई और पर्पस नहीं होता है। इसमें क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं, तो हमारे जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और को वेंचर अकाउंट नॉर्मली इसके अंदर आपको दिखेंगे। तो ये अकाउंट्स के लिए कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग एंट्रीज को समझ लेते हैं, ताकि हमको जॉइंट वेंचर के फर्स्ट केस दैट इज सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन अच्छे से क्लियर हो जाए। एंट्रीज देखिए, सबसे पहले बोला गया है कंट्रीब्यूशन ऑफ को वेंचरर्स, जब को वेंचरर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब पैसे लगा रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं समझ लीजिए, तो कैपिटल में हम एंट्री क्या करते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या एंट्री होगी, सेम वही एंट्री होगी, बस कैश या बैंक की जगह आप लिखेंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनने वाला है, वहाँ आप पैसे डालने वाले हैं, ठीक है, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड, और आपका यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, कौन दे रहा है, टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर दे रहा है पार्टनरशिप फर्म में, आप उस पर्टिकुलर पार्टनर का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, अगर पार्टनरशिप होता तो, यहाँ पार्टनर्स को क्या बोला जाता है, को वेंचरर, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू को वेंचरर्स अकाउंट, ठीक है, तो जो पर्टिकुलर को वेंचर देगा पैसा उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। नेक्स्ट ऑन परचेस ऑफ गुड्स, जब गुड्स खरीदे गए तो गुड्स खरीदने के टाइम हम क्या एंट्री करते हैं, नॉर्मली परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, ठीक है, तो यहाँ पे आप परचेस की जगह क्या लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, हमको जितने कम हो सके उतने कम अकाउंट्स बनाना है, इसलिए हम जो भी एक्सपेंस हो रहा है उनको डेबिट करेंगे ज्वाइंट वेंचर में, और जो भी हमारे इनकम्स या गेन हो रही है उनको क्रेडिट करेंगे जॉइंट वेंचर में, ठीक है। टू कैश या बैंक होता है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, टू जॉइंट बैंक, तो टू जॉइंट बैंक ही यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है, या फिर या तो जॉइंट बैंक से हो सकता है, या फिर अगर हमने क्रेडिट में खरीदा है तो सप्लायर का नाम आएगा, ठीक है, या फिर अगर कोई को वेंचरर खुद के पास से लेके आया है तो उस पर्टिकुलर को वेंचरर का नाम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स, जब सप्लायर ऑफ गुड्स को पेमेंट की जाएगी तो सब क्या एंट्री आएगी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं कैश में तो कैश आएगा, अगर जॉइंट बैंक से पेमेंट हो रहा है तो जॉइंट बैंक का नाम आएगा, ठीक है, अगर बिल्स पेबल से पेमेंट हो रहा है, बिल्स पेबल दे रहे हैं आप उसकी जगह, तो बिल्स पेबल आएगा, ठीक है, अगर इसके साथ अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो कहाँ आएगा, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, डिस्काउंट आपका आएगा जॉइंट वेंचर में, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, ये क्या यहाँ पे क्या आएगा आपका, अगर कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ ओन स्टॉक बाय एनी ऑफ द को वेंचरर, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं ओन स्टॉक से, कौन कर रहा है, कोई भी को वेंचरर कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर्स पर्सनल अकाउंट, जो भी को वेंचर कर रहा है उसका पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। अगर एक्सपेंसेस की पेमेंट हो रही है, एक्सपेंसेस की पेमेंट हो रही है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जॉइंट वेंचर कब कब आपको डेबिट करना है, एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए, और इनकम्स और गेन्स के लिए उसको क्रेडिट करना है, एक्सपेंस किया जा रहा है इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, और उस एक्सपेंस को कौन पेमेंट कर रहा है, अगर जॉइंट बैंक से पेमेंट हो रहा है तो जॉइंट बैंक आएगा, अगर को वेंचरर्स पेमेंट कर रहे हैं तो को वेंचरर्स पर्सनल अकाउंट आएगा, को वेंचरर्स अकाउंट, ठीक है। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं, कौन बेच रहा है, आप जॉइंट वेंचर सामान बेच रहा है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, अगर कैश में सामान बेचा जा रहा है तो एंट्री क्या होगी, जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसे आएंगे तो पैसे आपके कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जब भी आपके पास पैसे आते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर को ही आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि आपकी इनकम है, तो इनकम को आप यहाँ पे डालेंगे, क्रेडिट में आप अगर बेच रहे हैं तो उस केस में उस पर्टिकुलर कस्टमर का नाम, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर को जेवी से भी डिनोट किया जाता है, तो मैं अब आपको जेवी ही लिखूंगी, ठीक है।
नेक्स्ट अगर कोई को वेंचरर खरीद रहा है तब क्या होगी एंट्री? को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जब पेमेंट मिलेगा कस्टमर से, कस्टमर पेमेंट कर रहा है तो पैसे हमारे पास आएंगे, तो पैसे आपके किस में आ सकते हैं? या तो कैश में आ सकते हैं, या तो जॉइंट बैंक में आ सकते हैं, या तो बिल्स रिसीवेबल आपको मिल सकता है, ठीक है। तो उनको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या हुआ है, पेमेंट मिल गया, पेमेंट के बाद सॉरी ये आपका आएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। आपको पैसे यहाँ पे कस्टमर का नाम आएगा टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर से पैसे मिले ये पता तो चलना चाहिए। अब इसके साथ अगर आपको डिस्काउंट हो रहा है, मतलब आपको हम उसको डिस्काउंट दे रहे, कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे, तो डिस्काउंट आप यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे डिस्काउंट के नाम पे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट और सेल प्राइस रिसीव्ड इन फॉर्म्स ऑफ शेयर्स और कैश। आपको क्या हो रहा है, सेल प्राइस जो भी आपने सामान बेचा समझ लीजिए, उसको आपको शेयर्स में उसका पैसा मिल रहा है, ठीक है, मतलब शेयर्स मिल रहे हैं उसकी जगह, तो उसकी एंट्री क्या होगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। देखिए जॉइंट बैंक में क्या आएगा, जो आपको पैसे कैश में मिल गए या बैंक में मिल गए उनको आप जॉइंट बैंक में डालेंगे, बाकी अगर आपको कुछ शेयर्स में मिलता है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे शेयर्स अकाउंट में। नेक्स्ट आता है कमीशन और सैलरी टू को वेंचरर्स। कमीशन और सैलरी पेमेंट किया गया है, किनको पेमेंट किया गया है, को वेंचरर्स को, तो एंट्री क्या आएगी, जॉइंट वेंचर डेबिट हो जाएगा। जॉइंट वेंचर डेबिट क्यों होगा, क्योंकि को वेंचरर्स को पेमेंट की जा रही है, यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। नेक्स्ट जब अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय को वेंचरर, हमारे पास गुड्स बच गए थे, वो गुड्स किसने ले लिए, को वेंचरर ने ले लिए, तो एंट्री क्या होगी, वो आपको पेमेंट करेंगे या फिर आप उनका अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट में डाल देंगे, मतलब उन्होंने क्रेडिट में सामान ले लिया है तो उस समय ही एंट्री होगी, को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। शेयर्स टेकन ओवर बाय को वेंचरर, को वेंचरर ने शेयर्स ले लिए, तो को वेंचरर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स अकाउंट, ठीक है, क्योंकि शेयर्स का हमने अलग से नाम लिखा था, और ये गुड्स ले गए हैं तो गुड्स को हम परचेस से डिनोट करते हैं, और परचेस का हमने अलग से नाम नहीं लिखा था, परचेस के लिए हमने जॉइंट वेंचर यूज किया था। नेक्स्ट फॉर प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, अगर सॉरी इफ शेयर्स आर सोल्ड इन ओपन मार्केट, अगर शेयर्स ओपन मार्केट में बेचे गए हैं तो बेचने के समय आपको इनकम होगी किसको, जॉइंट वेंचर को, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर्स अकाउंट। शेयर्स को हमने दो तरीके से देखा, एक तो बेच दिया या फिर एक को वेंचरर्स को दे दिया। फॉर प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, अगर जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट होता है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट, और अगर लॉस होता है तो जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री, दैट इज को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ऐसी एंट्री आपकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई फंड्स बच जाते हैं हमारे एट लास्ट, क्योंकि जॉइंट वेंचर को हमको बंद करना पड़ता है एक पर्टिकुलर काम होने के बाद, तो उसके बाद अगर कोई फंड बच जाते हैं तो उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर डेबिट बैलेंस बचता है तो उस समय एंट्री क्या होगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर पर्सनल अकाउंट। और अगर आपका क्रेडिट बैलेंस बचता है तो एंट्री होगी को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जस्ट इसके अपोजिट एंट्री यहाँ पे आपकी पास होगी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया एंट्रीज कैसे पास होंगी। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 19, हम इलस्ट्रेशन नंबर 19 देखेंगे। हमने सारा देख लिया कि क्या क्या एंट्रीज हम पास करते हैं इसमें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर है ये आपका 19। क्वेश्चन देखिए, आपकी बुक में अगर ओल्ड बुक है तो 133 पेज नंबर, बाकी न्यू बुक में आप चेक कर लीजिएगा पेज नंबर कौन सा है। प्रबीर एंड महीर डूइंग बिजनेस, प्रबीर एंड महीर डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, प्रबीर अलग काम कर रहा है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के नाम से और महीर अलग काम कर रहा है, ठीक है। अब इन लोग एक काम लिए हैं जो कि वो जॉइंटली करने वाले हैं, बिल्ड करने वाले हैं एक स्काई स्क्रैपर फॉर अ न्यूली स्टार्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए वो बनाने वाले हैं।
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1 करोड़ रुपए, पेबल होगा 80 लाख कैश में देना है, और मींस आपको जो जॉइंट वेंचर्स है उनको 80 लाख कैश में मिलेगा, और बैलेंस उनको इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी। ठीक है। अब बैंक अकाउंट वॉज ओपन फॉर दिस पर्पज, इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए एक बैंक अकाउंट खोला गया जिसमें प्रबीर ने 25 लाख रुपए डाले, मिहिर ने 15 लाख रुपए डाले। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का था प्रबीर और मिहिर के बीच में। ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हुए देखिए, एडवांस कंपनी से मिला 50 लाख रुपए, मतलब जिसके लिए आपको स्काई स्क्रैपर बनाना है उसने 50 लाख रुपए आपको दिए हैं। आपने वेजेस पेमेंट किए हैं 10 लाख रुपए, मटेरियल्स खरीदा है 60 लाख रुपए, मटेरियल सप्लाई किया है प्रबीर ने 10 लाख रुपए का, मटेरियल सप्लाई किया है मिहिर ने 15 लाख रुपए का, आर्किटेक्ट फीस पेमेंट हुई है जॉइंट बैंक अकाउंट से 21 लाख रुपीज, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और प्राइस आपको पेमेंट मिल गया, मतलब प्रबीर और मिहिर को एटलास्ट जो पेमेंट मिलना था जैसे मिलना था वो मिल गया। जॉइंट वेंचर को ड्यूली क्लोज कर दिया गया, प्रबीर सारे शेयर्स ले लिया 18 लाख रुपए के, और मिहिर बैलेंस मटेरियल ले लिया 3 लाख रुपए में। आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना है, को वेंचर अकाउंट बनाना है और शेयर अकाउंट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। सबसे पहला काम क्या हुआ देखिए, हमने सारा ट्रांजेक्शन कर लिया, ये सब चीज़ें हो गई। सबसे पहले देखेंगे तो आप प्रबीर को, प्रबीर ने जॉइंट बैंक में 25 लाख डाला है, मिहिर ने जॉइंट बैंक में 15 लाख डाला है। तो ये जो जॉइंट बैंक में पैसे आए हैं वो जॉइंट बैंक में एंट्री होगी, तो हम डायरेक्ट वही एंट्री से स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में अगर पैसे आते हैं तो वो डेबिट साइड लिखाएगा, अगर पैसे जाते हैं तो वो क्रेडिट साइड लिखाएगा। पैसे आ रहे हैं इसलिए हम डेबिट साइड लिखेंगे। एंट्री क्या होगी, टू प्रबीर अकाउंट, एज प्रबीर ने पैसे लाए हैं तो प्रबीर अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, अमाउंट है 25 लाख रुपीस। टू मिहिर अकाउंट, मिहिर ने कुछ पैसे लाए हैं 15 लाख रुपीस, तो मिहिर अकाउंट डेबिट करके आप 15 लाख रुपीस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, इसके बाद बोला है एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी। कंपनी से कितने रुपए मिले हैं, अभी आपको 50 लाख रुपए एडवांस मिले हैं, तो एडवांस आपको मिले हैं तो आप कहाँ एंट्री करेंगे, जॉइंट वेंचर में, क्योंकि जॉइंट वेंचर से रिलेटेड पैसे मिले हैं, और आपको ये पैसे कहाँ मिलेंगे, जॉइंट बैंक में मिलेंगे। तो एंट्री क्या होगी देखिए, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। यहाँ पे हर एंट्री आपको डबल फेस दिखेगा, मतलब हर एक एंट्री को आपको दो दो जगह रिकॉर्ड करना है। बाय जॉइंट बैंक अकाउंट एडवांस, एडवांस कितना मिला है 50 लाख रुपए, तो 50 लाख रुपए की आप एंट्री कर देंगे। अब यहाँ बाय जॉइंट बैंक लिखा है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, अमाउंट आएगा 50 लाख रुपीस। सेम यहाँ पे आपने प्रबीर अकाउंट को डेबिट किया 25 लाख रुपीस से जॉइंट बैंक अकाउंट में, मिहिर अकाउंट को डेबिट किया 15 लाख रुपीस से जॉइंट बैंक अकाउंट में, तो इन दोनों का जो अकाउंट होगा वो दोनों में ये अमाउंट क्रेडिट होगा जॉइंट बैंक अकाउंट नाम से। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, प्रबीर के में आएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 25 लाख रुपीस, मिहिर के में आएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 25 लाख रुपीस। आप देखेंगे आपकी जो भी एंट्रीज आप कर रहे हैं हर एक, सॉरी ये 15 लाख रुपीस है, यहाँ पे आपका 15 लाख रुपीस आएगा। जो भी आप एंट्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, आपको सारी एंट्रीज का दो फेस दिखेगा, दो हर एंट्री को आपको दोनों जगह रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। तो हर एक एंट्रीज भी हमने जो भी एंट्री की उनको दो जगह हमने रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए, वेजेस पे किए गए हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीज वेजेस पे किया गया है, तो आप इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, जॉइंट वेंचर में। क्या एंट्री करेंगे, पैसे जब भी जॉइंट वेंचर से जाएंगे तो आप क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, मतलब कोई भी एक्सपेंस या लॉसेस होंगे, इनकम या गेन होगी, उसको आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। टू यहाँ पे लिखा आएगा जॉइंट बैंक अकाउंट, आप पैसे कहाँ से देंगे, आप कौन सी बात है जॉइंट बैंक से देंगे, तो जॉइंट बैंक अकाउंट क्या पेमेंट हुआ है, वेजेस पेमेंट हुआ है, कितना हुआ है, 10 लाख रुपीज हुआ है। अब ये वेजेस की एंट्री आप जॉइंट बैंक अकाउंट में करेंगे, यहाँ टू जॉइंट बैंक लिखा है तो यहाँ क्या लिखा आएगा, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, अमाउंट आएगा 10 लाख रुपीज, ये है वेजेस का। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखा है मटेरियल्स खरीदा गया 60 लाख रुपीज, सेम यहां पे आएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट, मटेरियल्स का पैसा दिया गया है 60 लाख रुपीज, और ये एंट्री सेम आपकी यहां पे आएगी बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट मटेरियल्स, कितना पेमेंट हुआ है 60 लाख रुपीज। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद लिखा है मटेरियल सप्लाइड बाय प्रबीर, प्रबीर मटेरियल लेके आए, तो क्या क्या एंट्री होगी, टू प्रबीर अकाउंट मटेरियल,
कितने का लेके आया है, 10 लाख रुपीज का, तो यहाँ पे इसकी ये एंट्री होगी। और उसी के जस्ट बाद देखिए तो मटेरियल मिहिर भी लेके आया है, तो टू मिहिर अकाउंट मटेरियल 15 लाख रुपीज का मटेरियल मिहिर लेके आया है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों की एंट्री अब कहाँ होगी, अब इनके अकाउंट्स में भी यही एंट्री होगी, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे ये डेबिट साइड आया, वहां क्रेडिट साइड आएगा और ज्वाइंट वेंचर के नाम से आएगा। प्रबीर के अकाउंट में हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट लिखेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 10 लाख रुपीज, मिहिर के अकाउंट में हम लिखेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 15 लाख रुपीज। तो ये एंट्री हम कर लेते हैं, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 10 लाख रुपीज, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 15 लाख रुपीज। ठीक है, इसके बाद क्या एंट्री होगी, इसके बाद हमको देखिए क्वेश्चन में बोला आर्किटेक्ट फीस पे की गई है ज्वाइंट बैंक अकाउंट से 21 लाख रुपीज। ठीक है, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट से पेमेंट की गई, तो हम यहां पे पहले लिखेंगे टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट आर्किटेक्ट पेमेंट हुआ है, आर्किटेक्ट की फीस पेमेंट हुई है 21 लाख। और यही सेम एंट्री यहां पे आएगी, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट आर्किटेक्ट अमाउंट है 21 लाख रुपीज। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए हमको बोला है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद जॉइंट वेंचर ड्यूली क्लोज हो गया है और प्रबीर सारे शेयर्स ले लेता है 18 लाख के। शेयर्स ले लेता है मतलब शेयर्स पहले रिसीव भी होंगे, तो जो जो आपका अकाउंट जब भी आपको बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो आपको जो पैसे मिलने वाले थे उनकी पहले एंट्री कर लेना। तो हमको देखिए, हमको 80 लाख रुपीज कैश में मिलना था, जिसमें से 50 लाख रुपीज एडवांस में मिल चुका है, मतलब बचे कितने हैं अभी 30 लाख रुपीज। तो 30 लाख रुपीज हमको एडवांस एट लास्ट मिल गए पैसे। ठीक है, कितने मिले, 30 लाख रुपीज। इसके बाद आपको शेयर्स में मिलने थे बाकी बचे हुए पैसे, मतलब 80 लाख मिल गए, टोटल आपको 1 करोड़ मिलना था, जिसमें से 80 लाख आपको कैश में मिलना था और शेयर्स में आपको 20 लाख रुपए बचे हुए मिलने थे, तो शेयर्स में आपको 20 लाख रुपए मिल गए। ठीक है, तो ये जो टू ज्वाइंट बाय ज्वाइंट बैंक लिखा, उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, अमाउंट आएगा 30 लाख रुपीज। इसके बाद जो ये शेयर्स वाला है, इसको भी हम शेयर्स वाले में करेंगे, बाय शेयर्स अकाउंट लिखा है यहाँ पे 20 लाख, तो ये है आपका शेयर्स अकाउंट में आएगा टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 20 लाख। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ज्वाइंट वेंचर ड्यूली क्लोज हो गया, प्रबीर सारे शेयर्स ले गया 18 लाख में। ठीक है, तो प्रबीर सारे शेयर्स ले गया, उसकी एंट्री यहां पे होगी, शेयर्स प्रबीर ने ले लिए हैं, 20 लाख के शेयर्स थे, 20 लाख के शेयर्स उसने कितने में लिए हैं, 18 लाख में लिए हैं। ठीक है, मतलब जो जॉइंट वेंचर है उसको 2 लाख का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ये पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे टू शेयर्स अकाउंट लॉस, कितना लॉस हो रहा है, 2 लाख का लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए मिहिर ने बैलेंस मटेरियल ले लिया है 3 लाख में, तो बाय मिहिर आएगा यहाँ पे, बाय मिहिर अकाउंट उसने क्या लिया है, मटेरियल लिया है 3 लाख का। देखिए हम मटेरियल की यहाँ एंट्री कर लेते हैं, तो जस्ट अपोजिट यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब ये दोनों एंट्रीज, शेयर्स का लॉस जाएगा शेयर्स वाले उसमें, और मिहिर ने जो मटेरियल लिए वो मिहिर के अकाउंट में जाएंगे, तो इनकी एंट्रीज हम पहले कर लेते हैं। शेयर्स वाले अकाउंट में हमारी एंट्री आएगी, जो प्रबीर ने शेयर्स लिए हैं, बाय प्रबीर अकाउंट 18 लाख के शेयर्स ले लिए उसने, और जो लॉस हुआ जॉइंट वेंचर को जो लॉस हुआ वो आप यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपीज का यहाँ लॉस हुआ, क्योंकि उसने 20 लाख के शेयर्स 18 लाख में ले लिए। बाकी मिहिर ने 3 लाख के मटेरियल्स लिए थे, तो उसका एंट्री आप यहाँ पे करेंगे मिहिर के अकाउंट में टू जॉइंट वेंचर अकाउंट स्टॉक टेकर, कितना का लिया उसने, 3 लाख रुपीज के स्टॉक लिए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद अब आपको क्या करना है, सारी चीजों को यहाँ पे सबसे पहले प्रबीर का हम लिख लेते हैं, प्रबीर का शेयर्स ले लिया उसने, तो टू शेयर्स अकाउंट करके यहाँ एंट्री होगी, टू शेयर्स अकाउंट 18 लाख, 18 लाख में उसने शेयर्स ले लिए। ठीक है, अब देखिए, अब सारे अकाउंट्स को हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक और चीज ध्यान में देना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 2:1, मतलब प्रबीर 2 शेयर रखेगा तो मिहिर 1 शेयर रखेगा। ठीक है, 1/3, 2/3 शेयर प्रबीर रखेगा, 1/3 शेयर मिहिर रखेगा। अब देखिए आपके ये जॉइंट वेंचर की सारी एंट्रीज आ गई हैं हमारे पास, वेजेस 10 लाख, 60 लाख, 21 लाख एंड
हमारे पास 10, 15 और 2 लाख 50, 30, 20 और 3 अगर आप इनको टोटल करेंगे तो एट लास्ट यहाँ पे लॉस आ रहा है और लॉस है 15 लाख का. 15 लाख का लॉस है. हमको इसको डिवाइड करना है प्रबीर में और मिहिर में. प्रबीर और मिहिर में हमको ये लॉस डिवाइड करना है. इसके में जाएगा 2/3 लॉस, इसके में जाएगा 1/3 लॉस. अगर आप 15 लाख का हम इसको डिवाइड करेंगे 2/3 और 1/3 में तो यहाँ पे आपका 10 लाख रुपीज़ आएगा और यहाँ पे आपका 5 लाख रुपीज़ आएगा. इसके बाद आप इसको टोटल कर लीजिए. नेक्स्ट देखिए ये जो अमाउंट आया है अब इसको आप कहाँ डालेंगे, आप इसको उनके अकाउंट्स में डालेंगे. तो प्रबीर के अकाउंट में आपको 10 लाख डालना है, मिहिर के अकाउंट में 5 लाख डालना है. इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं. ये इस साइड आएगा, प्रबीर के अकाउंट में आएगा 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट 10 लाख, मिहिर के अकाउंट में आएगा 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट 5 लाख. ठीक है, ये लॉस है जो कि ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम जॉइंट वेंचर. नेक्स्ट देखिए इसके बाद जॉइंट बैंक अकाउंट है. तो जॉइंट बैंक अकाउंट में भी अब क्या होगा वो देखिए. जॉइंट बैंक का जो बैलेंस है वो आपका आएगा जब आप अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे कोवेंचरर्स के. ठीक है, तो कोवेंचरर्स में आपने एंट्री की है 25 लाख यहाँ, 10 लाख यहाँ, 18 और 10 लाख. यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है इसके देखिए, 2 जॉइंट बैंक अकाउंट करके यहाँ एंट्री आएगा. यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, ये बैलेंस वो पे करें, बैलेंस पे कितना अमाउंट आएगा, ये 7 लाख रुपीज आएगा यहाँ पे. ठीक है, और ये 2 जॉइंट बैंक अकाउंट बैलेंस पेड आया है, मतलब प्रबीर को जॉइंट वेंचर से पैसे इतने दिए गए हैं. भले हमारे जॉइंट वेंचर में लॉस हुआ है लेकिन इन्होंने कुछ तो पैसे लगाए थे ना अपने पास से भी, तो उनका कुछ बचा हुआ पैसा इनको वापस दिया जा रहा है. ठीक है, मिहिर के अकाउंट को अगर आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे जॉइंट बैंक अकाउंट करके एंट्री आएगी, बैलेंस पेड, और ये अमाउंट है आपका ये 22 लाख रुपीज. तो 22 लाख रुपीज मिहिर को दिए गए हैं, प्रबीर को 7 लाख रुपीज दिए गए हैं. ठीक है, अब ये जो आपने यहाँ पे एंट्री की है वही सेम एंट्री आप यहाँ पर लिखेंगे, बाय जॉइंट सॉरी प्रबीर अकाउंट बाय मिहिर अकाउंट. प्रबीर का कितना है 7 लाख रुपीज और मिहिर का है 22 लाख रुपीज. ठीक है, इसी के साथ अगर आप इनको टोटल करेंगे तो ये टोटल आपका इक्वल आएगा. जॉइंट बैंक का आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आपने इन दोनों को बैलेंस कर लिया, ये दोनों का अमाउंट अब सेम आएगा. ठीक है, और इसको आप बैलेंस करेंगे तो अब इसका अमाउंट इक्वल आएगा क्योंकि आपने डबल एंट्री ही फॉलो की है. सारी एंट्रीज को आपने दो दो जगह रिकॉर्ड किया है तो इससे हमारा ये पूरा कंप्लीट होता है. आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो. जॉइंट वेंचर अकाउंट जब आप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं जॉइंट वेंचर के लिए. ठीक है, इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है 20 नंबर का, वो क्वेश्चन आप खुद से करेंगे. ठीक है, और इसी के साथ हमारा सेपरेट अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है. अब अगली क्लास जो होगी हमारी उसमें हम जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन की जाती तब क्या होता है वाला केस देखेंगे. सो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं. आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो. अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स. सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.